ख्याति शुक्ला। जागरण कॉलेज से हूँ मैं और मैं यहाँ पर आई थी ये प्रेजेंटेशन का जो कंपटीशन हो रहा है बॉटनी अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ बॉटनी के ऊपर उसमें कॉम्पिटिशन। हाँ जी, जी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसमें हम लोग बॉटनी का कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कई फंगस हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब पोल्यूशन हटाने में हमारी मदद करते हैं। खासकर बैक्टीरिया जो हैं उनके थ्रू जब पोल्यूशन हटाया जाता है तो उसको बायोरेमेडिएशन बोलते हैं। तो सीओडोमोनास जैसे और बैसिलस जैसे बैक्टीरियाज हम लोग पोल्यूशन हटाने में यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग जैसे डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं तो उसके लिए हम लोग पहले ये करते थे कि स्लॉटर्ड एनिमल्स जैसे पिग हो गए उनके इंसुलिन को यूज़ करते थे, लेकिन अब हम लोग वही जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू कर रहे हैं तो अब हम लोग उन जानवरों की जान भी बचा रहे हैं और साथ ही साथ सोमैटोस्टैनिन 5 मिलीग्राम सोमैटोस्टैनिन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग 500,000 भेड़ों के दिमाग शीप ब्रेन्स हम लोग यूज़ करते थे, जबकि आज सिर्फ हम लोग 8 लीटर्स ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू सेम 5 मिलीग्राम ऑफ सोमैटोस्टैनिन आज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही सब मैंने बताया। जी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अब इंडिया में मरिजुआना ड्रग जो है उसके थ्रू अब हम लोग ब्रेस्ट कैंसर और सिकल सेल अनीमिया जो बीमारियां हो रही हैं उसके थ्रू हम लोग अपने आप को ठीक करने वाले हैं। और जो डायबिटिक है उसके जो हम लोगों को घाव पड़ जाते हैं उसको सही करने में हफ्तों लग जाते थे, लेकिन अब हम लोग बैक्टीरियोफेज के थ्रू, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जिसके थ्रू हम लोग सिर्फ 5 दिनों में उसको हम लोग सही कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ सारे हम लोगों के जो फंगस होते हैं वो भी हम लोगों को बॉटनी में आते हैं। तो मशरूम्स हैं, फ्रूटिफिकेशन ऑफ मॉरल्स हैं जिसको हम लोग बहुत पहले से हम लोग खाने की तरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये इनको हम लोग एस्टीम्ड एज डेलिकेसीज, ये सब हम लोगों को सिर्फ ना तो सिर्फ खाने के लिए। और हाँ, अराकू कॉफ़ी वैली की बात करें तो अराकू कॉफ़ी वैली पेरिस में 2018 का बेस्ट कॉफ़ी पॉड अवार्ड जीती है। तो ना तो ये सिर्फ केवल हमारे माइंड को फ्रेश कर रही है कॉफ़ी, बल्कि ये अपने भारत को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराने का भी एक रीज़न दे रही है। जी अभी तो अभी मैं अपना एम किसी से शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि अगर खुद तक ही सही रहे अपना एम तो सही है। तो फिलहाल मैं BSc कर रही हूँ, उसी में मेरे को अभी आगे सबसे अच्छे टॉप पर रहने का यही मेरा एम है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू अपनी कुछ 6 लाइन है वो मैं बोलना चाहती हूँ कि हरी भरी पत्तियों को झूलते देखो, हरी भरी पत्तियों को झूलते देखो, क्यों सूखी डंडियों में संसार देखना चाहते हो। रोज सुबह जल्दी उठ के साइकिल से सफ़र करके देखो, क्यों बुलेट की फुट फुट फट फट सुनने सुनाने के पीछे भागते हो। अपने मेल फीमेल फ्रेंड्स को, अपने मेल फीमेल फ्रेंड्स को महंगे महंगे तोहफे देके बड़ा दिल होने का अनुमान जताते हो। अपने मेल फीमेल फ्रेंड्स को बड़े बड़े तोहफे देके बड़ा दिल होने का अनुमान जताते हो। जो तुम्हें रोज़ ज़िंदगी देता है उसकी जड़ों में थोड़ा पानी डाल के देखो, क्यों सिर्फ उसी के लिए तुम एहसान फरामोश बन जाते हो। मेरा नाम रोहन कुमार है। क्या ज़रूरतें हैं सोसाइटी के हिसाब से जो आजकल देख रहे हैं कि प्रदूषण हो या बीमारियाँ हो, खाने पीने चीज़ों में हर जगह से कहने में परेशान है। यहाँ पर बेसिकली अगर सही वाली सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पर जो यहाँ लोग रहते हैं आसपास, चाहे किसी भी सोसाइटी में लोग रहते हैं, वो ये नहीं समझते कि प्लांट्स लगाना ज़रूरी है या उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बस उन्होंने ये सोच लिया है कि शो केस के लिए लगा लें तो वो बेटर रहेगा, चाहे उनको शो ऑफ करना है कि हमने प्लांट लगाए, लेकिन उनको नहीं पता है कि इसका सही इस्तेमाल क्या है। जैसे कि आपके पीछे यहाँ पर ये प्लांट लगा हुआ है, सेंसिवेरिया नाम है इसका। ये वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, लेकिन ये आपको बहुत कम जगह लगा मिलेगा, लेकिन क्योंकि लोग इसके बारे में जानते नहीं है, जागरूक नहीं है। जो कि हम लोग के जो इस समय प्रेजेंट सिनेरियो है, जो कि इस समय जो जाड़े का मौसम चल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो अगर हम लोग ये अगर हर एक घर के सामने अगर ये पेड़ होगा तो एक सोसाइटी में, अगर एक कॉलोनी में अगर देखा जाए, एक मोहल्ले में अगर देखा जाए, तो काफ़ी हद तक पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो लोगों को जैसे बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होंगी, अस्थमा नहीं होगा, जो ओल्ड एज पीपल हैं वो सुबह सुबह सैर पे जा सकते हैं। कईयों के आपने सुने होंगे रीजंस होते हैं कि हम भैया पॉल्यूशन है हम नहीं जा सकते, तो ये रीजंस नहीं होंगे।
और दूसरी बात, हम लोग को और पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो बेसिकली हम लोग को अपने अंदर चेंज लाना होगा, तब हम किसी और के वातावरण में चेंज देख सकते हैं, जो कि हम लोग तभी कर सकते हैं जब पॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा दिया कम होने लगेगा, हम लोग को भी अपना रहन सहन बदलना होगा, हम लोग को कम व्हीकल्स का इस्तेमाल करना होगा, हम लोग पैदल जा सकते हैं, यहाँ अगर 5 किलोमीटर के दूर दफ्तर है तो लोग बाइक से जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 1 किलोमीटर दूर भी है तब भी लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत मतलब एक बहुत ड्रॉबैक है अपने इंडिया के लिए पॉल्यूशन बढ़ाने में। यहाँ तक कि दिल्ली में ये कंडीशन है कि अभी पूरी तरह से ठंडियाँ आए भी नहीं हैं और वहाँ पर सुबह इतना सफोकेशन होता है, फॉग होता है, जो कि हानिकारक होता है सेहत के लिए, जिससे कि बीमारियाँ होती हैं, जिससे कि लोग बहुत सारे इस समय हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, बहुत तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं।